हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने कल अगले क्लास में देखा था कि सिंचाई, फसलों की सिंचाई कैसे की जाती है। सिंचाई के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर सिंचाई की बहुत सारी विधियाँ हैं। आज के दौर में नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, लेकिन कुछ पुराने टेक्नोलॉजी को भी दिया गया है जो हम लोगों ने कल देखा था, जो फिगर में दिखाया गया है। इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा हम अब अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक दिया है फसलों की सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण। देखो बच्चों, ये क्लास जो है 8 क्लास के बच्चों के लिए है, 8 क्लास का साइंस है। तो इसको हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि फसलों की सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण। देखो, फसलों की सुरक्षा, फसल की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फसल को पक्षी और कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनसे फसलों की सुरक्षा करना जरूरी हो जाता। पक्षियां जो होती हैं, जब दाने धरते हैं पौधे, उसको उस दाने को खा जाती हैं, और कीड़े मकोड़े फूल जब भी पकड़ता है पौधा फसल, तो उस फूल के कण को ये खा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फसल सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए पक्षियों को फसलों को बचाने के लिए, पक्षियों से फसलों को बचाने के लिए यहाँ पर एक बिजुखा या काग भगोड़ा फिगर बनाया जाता है, जिसे पक्षियां देखकर भाग जाती है। तो ये जो तुमको दिखाया गया है 1.9 में बिजुखा या काग भगोड़ा, इसको दिखाया गया है, ये एक पुतला होता है, आदमी के पुतले बना दिए जाते हैं, और इस पुतले में कुछ पुराने कपड़े होते हैं पहना दिए जाते हैं, जो कि आदमी की तरह दिखाई देते हैं, और इसको फसल वाले खेतों में ले जा करके गाड़ दिया जाता है सीधा करके, जिससे होता ये है कि कोई भी कीड़े मकोड़े आते हैं तो वो समझते हैं कि कोई मनुष्य खड़ा हुआ है और वो भाग जाते हैं। इसलिए इसको काग भगोड़ा बोला जाता है या बिजुका बोला जाता है। इससे तो हम लोग पक्षियों को भगा सकते हैं, लेकिन कीटों को नहीं भगा सकते हैं। तो कीट क्या होता है? तो एक कीट है, कीड़े हैं जो कि फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जीवों में एक चूहा भी होता है, जो चूहे फसल को, चूहे हैं, खरगोश हैं, जो फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो ये फसल के जड़ को काट देते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाता है, एवं चूहे दाने को खा जाते हैं, है ना? तो इससे भी भगाने के लिए, इसको भगाने के लिए, दूर करने के लिए कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, एवं काग भगोड़े का भी प्रयोग किया जाता है। चूहे और बहुत ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कीट जो होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े के लार्वा अवस्था, उसकी जो अवस्था होती है, एक अवस्था होती है जिसको लार्वा अवस्था कहा जाता है, जो ये पत्तियों को खा जाते हैं। लार्वा अवस्था में ही कीड़े मकोड़े, कीट की लार्वा अवस्था ही पत्तियों को खा जाते हैं, यानी फसल के पत्तियों को खा जाते हैं। इसमें जीवाणु, कवक तथा विषाणु, पौधे रोग,
पौधे में रोग पैदा करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव है, जैसे जीवाणु है, कवक है तथा विषाणु, पौधे में रोग पैदा करते हैं। जैसे गेहूं में कीट और कंट, चावल में झुलसा रोग पैदा करते हैं। यहाँ ये जो है ये फसलों की सुरक्षा की बात हो रही है। तो पीड़क जीव, बड़े बड़े जीव जो हैं, उसको तो हम लोग काग भगोड़े से भगा सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं, इसको भगाना मुश्किल होता है, काग भगोड़े से नहीं भाग सकता है। इसलिए इसमें कुछ रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह रसायन जो कीड़े मकोड़े को मारता है उसको पीड़कनाशी कहते हैं। यानी कीड़ों मकीड़ों को मारने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसको पीड़कनाशी कहा जाता है। जैसे कुछ पीड़कनाशी दिए गए हैं, BHC है, DDT है, मेथालियन है, पैराथीन है। कीटनाशकों का छिड़काव पीड़क जीवों के जीवन चक्र की एक विशेष काल के समय किया जाता है। यानी जो भी कीटनाशक है उसकी एक विशेष काल होता है, यानी सब कभी भी छिड़क देंगे तो नहीं होगा, फसल को भी नुकसान पहुंचा देगा और कीड़े मकोड़े भी नहीं मरेंगे। इसलिए जब भी कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उसकी एक विशेष अवस्था होती है, उसी अवस्था के समय में अगर पीड़कनाशी का छिड़काव करेंगे तभी जाके पीड़क कीट जो है वो मर पाएंगे। यहाँ पर देखो 1.10 चित्र में दिखाया गया है फसल पर पीड़कनाशी का छिड़काव करता हुआ, यानी किसान है ये, और ये किसान क्या कर रहा है, फसलों पर रसायन का छिड़काव कर रहा है ना, ये रसायन का छिड़काव कर रहा है, इसलिए इसी तरह से छिड़काव किया जाता है। देखो जब हम पीड़कनाशी यानी कि रसायन का केमिकल का प्रयोग करते हैं तो इसका कुछ हानियां भी है, यानी पीड़कनाशी से कुछ हानि भी है। जैसे जो लाभप्रद कीड़े मकोड़े मिट्टी में जो रहते हैं, जो लाभप्रद कीड़े मकोड़े या जीव, कोई भी जीव जो मिट्टी को लाभ पहुंचाता है, फसल को लाभ पहुंचाता है, वो मिट्टी में रहते हैं। जब हम उस पर केमिकल का छिड़काव करते हैं तो मर जाता है। जैसे में केचुआ जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, यानी कि मिट्टी का साथी कहा जाता है, फसल का सहयोगी कहा जाता है। और जिस खेत में केचुए ज़्यादा होते हैं वहाँ पर फसल अच्छी होती है, क्योंकि वो पौष्टिक तत्वों को देने का काम करते हैं। जब मिट्टी को वो कबाड़ते हैं अपने माउथ से, उसमें मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि जब पीड़कनाशी का छिड़काव करते हैं तो वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है, और जिससे श्वसन क्रिया के द्वारा ये मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है तथा उसे हानि पहुंचाता है। जब हम फसलों पर छिड़कते हैं तो ये फसल के फलों पर जाकर एक परत के रूप में जम जाते हैं, अनाजों फलों सब्जियों पर जाकर के परत के रूप में जम जाते हैं। इसलिए जब भी इस तरह के कोई भी साग सब्जी का प्रयोग करे, फसल का प्रयोग करे, तो बिना धोए हुए उसको नहीं खाए, बिना धोए हुए उसको प्रयोग में लाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उसको अच्छी तरह से धो लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कटाई, हार्वेस्टिंग। देखो बच्चों, जब फसल खेतों में पक जाती है तो उसको सही रूप से काट करके घर पर लाना ये जरूरी होता है। तो ये हम पहले जानेंगे कि फसल दो प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल तथा रबी फसल। खरीफ फसल एवं रबी फसल, खरीफ फसल जो होता है वह
जून सी जून जुलाई है ना, जब मानसून शुरू होती है, दक्षिण मानसून जब शुरू होती है तो जून जुलाई में इस फसल की बुआई शुरू हो जाती है। तो इस फसल को, खरीफ फसल को बोने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है ना। जैसे में चावल, चावल की खेती यानी जिसको हम लोग धान की खेती कहते हैं, धान की खेती करने के लिए धान ज्यादा पानी में ही होता है, उसकी जड़ों में ज्यादा पानी यानी हमेशा पानी लगा रहेगा, उसके जड़ पानी में भींगे रहेंगे तभी जा करके वो चावल यानी कि धान की फसल होती है। तो खरीफ फसल की कटाई मानसून मानसून ऋतु के अंत में, यानी मानसून जब खत्म होता है, मानसून शुरू कब होता है, जून जून और जुलाई से शुरू होता है, उसी समय ये खरीफ फसल की बुआई भी शुरू होती है और इसकी कटाई होती है जब मानसून खत्म होता है तब। तो मानसून यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में इसकी कटाई हो जाती है ना। उसके बाद आता है रबी फसल। रबी फसल यानी नवंबर दिसंबर की शुरुआत में इसकी बुआई की जाती है। रबी फसल जो होता है इसमें पानी की बहुत कम जरूरत होती है, यानी इसमें समय समय पर पानी चाहिए, हमेशा पानी देने पर ये फसल सूख जाते हैं। इसके जड़ों में अगर पानी अगर जमा रहेगा तो फसल सूख जाएगा, इसलिए इसमें पानी समय समय पर चाहिए, कम चाहिए, एक मात्रा में चाहिए, इसलिए इसको, इसकी बुआई जो होती है अक्टूबर से दिसंबर माह में हो जाती है। मार्च या अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। जैसे गेहूं एक रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है। देखो जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा है उसको प्रश्न ये लिख लीजिए, प्रश्न है कि खरपतवार किसे कहते हैं एवं इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। फिर से दोहरा रहा हूं, खर पतवार किसे कहते हैं, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़कनाशी क्या है, पीड़कनाशी क्या है या पीड़कनाशी किसे कहते हैं, इसकी क्या हानियां है, इसकी क्या हानियां है, ये प्रश्न लिखे ना।